एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और आज एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से कि कहीं ना कहीं एजुकेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है, जो कि हमारा हथियार बनती है, हमारी ताकत बनती है। लेकिन कुछ घटनाएँ ऐसी हो जाती हैं जो अंदर तक हिला के रख देती हैं और सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या एजुकेशन की वजह से ऐसा कुछ भी हो सकता है, क्या एजुकेशन की वजह से किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है और एजुकेशन की वजह से किसी की जान जा सकती है और कोई ज़िंदगी और मौत के बीच झूल सकता है। फिर जी हाँ, ऐसी ही घटना हुई है और बहुत ही मन व्यथित है उसकी वजह से कि एजुकेशन होना बहुत ही प्राउड की बात होती है और एजुकेटेड होना अपने आप में एक बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है। अपने विचारों को, अपनी चीज़ों को दूसरों के साथ शेयर करना, और एजुकेशन काफ़ी कुछ हमें सिखाती है। लेकिन एक एजुकेशन की वजह से एक लेडी जो कि अब ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रही है और उसने अपना बच्चा भी खो दिया है, क्योंकि वो एजुकेटेड थी, अपने डिसीज़न खुद देती थी, लेती थी, सेल्फ डिपेंडेंट थी और इन लॉज को ये चीज़ मंजूर नहीं थी। एक साल पहले ही उसकी शादी हुई थी और फ्रेंड्स वो 8 मंथ प्रेगनेंट थी। उसने एजुकेशन की वजह से अपना बच्चा खो दिया, खुद अभी हॉस्पिटलाइज्ड है क्योंकि उसके साथ मारपीट की गई जिसकी वजह से उसके बच्चे की डेथ हो गई, और वो खुद भी इतनी ज़्यादा सीरियस है, उसके पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल चुका है और अब उसका रिकवर होना काफ़ी मुश्किल लग रहा है या फिर काफ़ी समय लग सकता है उसको रिकवर होने में। तो फ्रेंड्स, बात ये है सिंपल सी कि वो एजुकेटेड थी, सेल्फ डिपेंडेंट थी और वो चाहती थी कि वो अपनी जॉब को कंटिन्यू करे, लेकिन उसके जो इन-लॉज थे वो नहीं चाहते थे कि वो अपनी जॉब को कंटिन्यू करे, क्योंकि वो अपने विचारों को उस पर थोपना चाहते थे, अपने विचार उस पर लादना चाहते थे। दकियानुसी जो सोच होती है, जो रूढ़िवादी विचार होते हैं कि गाँव में आकर रहो, हमारे साथ रहो, हमारी बात को मानो और सब कुछ हमारे तरीके से करो, क्यों भाई? उसने एजुकेशन ली है, उसे वे ऑफ लिविंग आता है, उसको पता है कि लाइफ को कैसे आगे बढ़ाना है, अपनी लाइफ के उसके कुछ गोल्स होंगे, कुछ सपने होंगे जिसे कि वो अपने पढ़ाई के साथ, अपनी जॉब के साथ कंप्लीट करना चाहती होगी। लेकिन नहीं, ये चीज़ें इन लोगों को मंजूर नहीं थी और इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसके ऊपर इतना दबाव डाला कि तुम ये जॉब छोड़ दो, और जब उसने इस बात को नहीं मानी तो उसके साथ मारपीट की गई, उसे ज़बरदस्ती दवाई खिलाने की कोशिश की गई कि इसका जो बच्चा है उसकी डेथ हो जाए क्योंकि आफ्टर डिवोर्स हम इसको नहीं रखेंगे। बात डिवोर्स तक आ गई और वो चाहती थी कि वो अपने बच्चे को भी जन्म दे, और वो डिवोर्स भी नहीं चाहती थी, लेकिन ज़बरदस्ती चाहा गया कि वो डिवोर्स दे दे, और उसके साथ मारपीट की गई जिसकी वजह से आज वो हॉस्पिटलाइज्ड है और उसने अपने बच्चे को भी खो दिया। तो फ्रेंड्स, बस यही कहना चाहूँगी कि एजुकेशन जो है उसको अपनी ताकत बनाइए, कमज़ोरी मत बनाइए, क्योंकि एजुकेशन हमारी लाइफ का एक ऐसा हिस्सा होती है जो हमें अपलिफ्ट करता है, मोटिवेट करता है ज़िंदगी को जीने के लिए, एक अच्छे तरीके से वेल सेटल्ड लाइफ जीने के लिए आगे बढ़ाता है, मोटिवेट करता है। लेकिन कहीं ना कहीं एजुकेशन, एजुकेटेड होना, अपने विचारों को दूसरों के सामने रखना, शेयर करना हमारे लिए डेंजरस हो जाता है। तो बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जो घर में ही घुट घुट कर जी रही हैं, वेल एजुकेटेड हैं, खुद से अपनी लाइफ जी सकती हैं, बहुत अच्छी लाइफ जी सकती हैं, अर्न कर सकती हैं, लेकिन वो नहीं कर पा रही हैं इन लॉज की वजह से। ऐसी फैमिली उन लोगों को मिल जाती है जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं, कोई सपोर्ट नहीं करता है, कोई ताने मारता है, कोई किस तरीके से, कोई उनको मेंटली टॉर्चर करता है, उनको बातें सुनाई जाती है। तो फ्रेंड्स, यही कहूँगी, अगर आप एजुकेटेड हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हैं, अपने लायक खुद बन सकते हैं, तो ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहिए और अपनी लाइफ को अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जिए। ठीक है ना फ्रेंड्स, एजुकेशन को अपनी ताकत बनाइए, कमज़ोरी नहीं, और अपने लिए लड़ना सीखिए, क्योंकि स्त्री जो है वो बहुत ही मजबूत मानी जाती है, बहुत ही ज़्यादा ये मानी जाती है कि वो किसी भी सिचुएशन को सह लेती है। जब बात अपने ऊपर आती है या अपने बच्चे के ऊपर आती है, तो जो लेडी है वो एक बहुत ही मजबूत पिलर बन के सामने आती है। लेकिन जहाँ बात आती है समाज की, समाज से लड़ने की, या फिर अपनी ही फैमिली मेम्बर्स से लड़ने की, तो वो वहाँ पर हार जाती है और
कहीं ना कहीं उसे इस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ता है, या तो अपनी जान देकर या फिर अपने सपनों का गला घोटकर। वो घर में ही बंद होकर रह जाती है और आगे अपनी लाइफ के लिए कुछ भी नहीं सोचती है, कुछ भी नहीं करती है, और चाहती है कि घर परिवार में शांति बनी रहे, सब सुकून से रहें। लेकिन उसके मन में जो तूफान चल रहा होता है वो बाहर की शांति बिल्कुल भी नहीं बयां कर सकती। जो उसके अंदर तूफान चल रहा होता है कि वो कुछ कर नहीं पाई, अपने सपनों को नहीं जी पाई, अपनी लाइफ को आगे नहीं बढ़ा पाई। तो फ्रेंड्स, यही बोलूँगी कि किसी की वजह से अपनी लाइफ बर्बाद मत कीजिए। अगर ऐसे लोग आपके आसपास हैं तो आवाज़ उठाइए, उनके खिलाफ बोलिए या उनसे अलग हो जाइए। जैसे भी आप उनसे पीछा छुड़ा सकते हैं छुड़ाइए, और ऐसे लोगों से दूर रहिए। एजुकेशन जो है उसको अपना हथियार बनाइए, उसको कमज़ोरी मत बनाइए, ठीक है ना फ्रेंड्स। आज के लिए बस यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप लोग पढ़ रहे हैं, आत्मनिर्भर होने के लिए पढ़ रहे हैं, आत्मनिर्भर होइए और अपनी लाइफ को अच्छे से आगे बढ़ाइए फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।